और उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है, सीएम योगी ने बैठक की है जिसमें उपचुनाव को लेकर रणनीति बनी। हिंदुत्व के एजेंडे के साथ उतरेगी बीजेपी, यह तय हुआ है। सीएम योगी सभी सीट पर दो दो रैलियां करेंगे। सभी 9 सीटों पर रैली करेंगे मुख्यमंत्री योगी और हर सीट पर दो रैलियां उनकी होंगी। सभी मंत्री हर विधानसभा में कैंप करेंगे। क्षेत्रीय जातीय समीकरण साधने की तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम भी हर विधानसभा में दो दो रैली करेंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में वॉर रूम बनाया जाएगा और वॉर रूम की कमान संगठन महामंत्री धर्मपाल के पास होगी। संकेत से इस पर चर्चा करते हैं, हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, एक बात तो तय है कि ये जो उपचुनाव का मंच है इसमें एक तरफ पीडीए और उस पीडीए का जवाब बीजेपी हार्ड हिंदुत्व से देने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है और इस बैठक में मंत्रियों के निकलने का सिलसिला जारी है। ये सीएम आवास का है, यहाँ सीएम आवास के गेट से मंत्रियों का मंत्री निकल रहे हैं और बैठक अब खत्म हो गई है। अगर इस बैठक पर बात की जाए कि इस बैठक में जो मंथन हुआ है वो उपचुनाव के सभी 9 सीटों पर पूरी तरीके से प्लानिंग की गई है और इस जो 9 सीटें हैं उपचुनाव की, इनको किस तरीके से जीता जाए इसकी रणनीति तय हुई है और चुनावी प्रचार अभियान किस तरीके से आक्रामक करना है इसको लेकर मंथन हुआ है। इसमें यह तय हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर सीट पर उपचुनाव की दो दो रैलियां करेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इन सीटों पर दौरे कर चुके हैं, तमाम परियोजनाओं की सौगात दे चुके हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सीटों के दौरे करेंगे और चुनावी रैलियां करेंगे और यही नहीं, जातीय समीकरणों और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर जो तमाम मुख्यमंत्री के सहयोगी हैं, मंत्री हैं, वो भी अब रैलियां करेंगे ताबड़तोड़ और इन सीटों पर। इसके अलावा जो जाति समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से फिट बैठते हैं मंत्री, उनके प्रवास लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम, इनकी ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। महामंत्री संगठन धर्मपाल चुनावी प्रबंधन की पूरी तरीके से कमान संभालेंगे कि आखिर वो रणनीति तय करेंगे कि किस रणनीति से इस चुनावी संचालन चुनाव उपचुनाव के संचालन किया जाए। एक वार रूम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनेगा, उस वार रूम में जो संगठन के दिग्गज पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे, यानी कि आज बड़े स्तर पर प्लानिंग हुई है। ये आचार संहिता लगने के बाद, जो अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव की, ये एक बड़ी बैठक थी अधिसूचना के बाद में, तो जाहिर सी बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी आक्रामक चुनावी प्रचार अभियान में जुटेगी उपचुनाव में और हिंदुत्व के एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी धार देगी। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें, चर्चा के लिए शुक्रिया आपका। और आप दिखा रहे हैं किस तरह वहां पर हलचल तेज है, हिंदुत्व के एजेंडे के साथ भाजपा उतरने जा रही है, उपचुनाव को लेकर बैठक खत्म हो गई है। जो लगातार मंत्रियों के निकलने का, और यूपी में बीजेपी का सक्रियता सदस्य अभियान शुरू हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सीएम योगी को सक्रिय सदस्य बनाया। सीएम आवास पर हुए कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला भी मौजूद रहे। इस अभियान के तहत बीजेपी यूपी में 1.5 लाख सक्रिय सदस्य बनाएगी। जो सदस्य अपने 50 से ज्यादा सदस्य बनाएंगे आगे, उन्हें सक्रिय सदस्य माना जाएगा। तो यूपी में 1.5 लाख एक्टिव मेंबर्स बनाएगी बीजेपी। सीएम योगी भी इसके एक्टिव मेंबर बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने उनको सदस्यता दिलाई है। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री भी मौजूद रहे। यूपी में 1.5 लाख सक्रिय सदस्य बनेंगे बीजेपी के। प्राथमिक सदस्यता के बाद हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सक्रिय सदस्यता बनाकर सक्रिय सदस्यता के अभियान की शुरुआत हम लोगों ने की है और 31 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग, हम सब मिलकर 1.5 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का हमारा लक्ष्य है और उसके बाद हम अपने संगठन की गठन की प्रक्रिया को आरंभ करेंगे। फिर उसके पश्चात सक्रिय सदस्यता होती है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश में पहले सक्रिय सदस्य बने हैं और वहीं से ये शुरुआत हुई है। फिर हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आज उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, फिर मुझे सक्रिय सदस्य बनने का मौका मिला। अब आगे हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी सहित क्रमशः यह सक्रिय सदस्यता का अभियान भी बड़े व्यापक तौर से चलेगा। जो लक्ष्य पार्टी ने दिया था उस लक्ष्य से अधिक संख्या में सामान्य सदस्य भी बने हैं और सक्रिय सदस्य भी बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।
मऊ के घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय पर केस दर्ज किया गया। ईएनटी के डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने सराय लखनसी थाने में केस दर्ज किया। सांसद राजीव राय पर सरकार काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। दरअसल सांसद होने की हैसियत से राजीव राय अस्पताल में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान कुछ डॉक्टर्स को वहां मौजूद नहीं देखकर वो भड़क गए। वहां मौजूद डॉक्टर से बाकी डॉक्टर्स के गायब होने की वजह पूछी गई। सांसद के निरीक्षण में 3 डॉक्टर्स मौजूद नहीं मिले, लिहाजा मौजूदा डॉक्टर से पूछताछ करने पर दोनों में बहस हो गई और इसी को आधार बनाते हुए डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने सांसद के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज करवाया। लखनसी जनपद मऊ में मुकदमा दर्ज करने हेतु एक तहरीर डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी जो जिला चिकित्सालय में नियुक्त हैं उनके द्वारा दिया गया है। इसमें उन्होंने कतिपय तथ्यों का उल्लेख किया है जिसमें माननीय सांसद एवं उनके साथ 10 से 15 लोगों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार, अभद्र भाषा का प्रयोग, मान अपमान करना एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे अन्य भी तथ्य जो है कि उल्लिखित हैं, जिनके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। राजीव राय जी, माननीय राजीव राय जी, सांसद निरीक्षण करने दिन के लगभग 12:30 बजे आए थे, जिला अस्पताल में आए, उन्होंने मुझे बुलाया भी, मैं भी उनके साथ सब जगह निरीक्षण कराया और एक प्रकरण जो सौरभ त्रिपाठी के साथ जो आजकल प्रकरण चल रही है, आए दिन मीडिया में पेपर में आ रही है, इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस कुछ अधिकारियों के द्वारा टीम गठित की गई है, जांच कमेटी गठित की गई है और ये जांच कमेटी बुधवार को आएगी और रिपोर्ट देगी। इसके अलावा मामला न्यायालय में भी है। मैं भड़काने के लिए कि बाहर जाकर नेतागिरी करो, बहरहाल मैं बाहर आया। सीएमएस साहब भी बहुत दुखी थे उसके व्यवहार से, उन्होंने पत्र जारी, नोटिस जारी किया उसे कि क्यों ना तुम्हारे खिलाफ कठोर कार्यवाही किया जाए, तुमने सेवा नियमावली का उल्लंघन किया है और मीडिया में बयान दिया कि पहले भी इस तरह का ये करता रहा है और सीएमएस गुहार लगा रहे हैं सरकार से और शासन से कि इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए, लेकिन बाहर है सरकार, बाहर है स्वास्थ्य मंत्री जी, बाहर है पुलिस प्रशासन, अपने अधिकारी के गुहार को इग्नोर करके मुकदमा उस सांसद के ऊपर हो जाता है जो गरीबों की आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँचा था। और मुकदमा कैसे होता है ये भी कारनामा हमारी यूपी पुलिस ही कर सकती है। आप FIR को देखेंगे, क्योंकि डॉक्टर के पिताजी स्वयं मेरे घर आए, मुझसे माफ़ी मांगे, तमाम वरिष्ठ डॉक्टरों ने बोला हम खेद व्यक्त करते हैं, हमें ऐसा सांसद मिला है कि हमें गर्वान्वित महसूस कर रहे थे, इसने अपमानित किया, हम खेद व्यक्त कर। डायरेक्टर रह चुके हैं वरिष्ठ, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और बोले कि उनकी आँखों में आंसू थे। रात को भी उन्होंने फ़ोन किया कि हमने तो कोई कंप्लेन ही नहीं किया। उस डॉक्टर ने ना तो कोई शिकायत किया है, न कहीं दस्तखत किया है, न कोई एप्लीकेशन पुलिस को दिया है। जब पुलिस वाले उसके घर पहुंचते हैं कि दबाव डालते हैं एक बड़े वाले मंत्री जी के दबाव में कि शिकायत लिखो, उन्होंने मना कर दिया डॉक्टरों ने कि नहीं, राजीव राय का व्यवहार हम 12 साल से उनके साथ हैं, कभी कोई शिकायत नहीं आई। तो वो बोला अच्छा कॉपी बताओ क्या जवाब दे रहे हो, वो कॉपी ले आकर और FIR में माननीय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को लिखा पत्र, FIR भी हो, कहीं न पुलिस अधीक्षक लिखा है न थाना अध्यक्ष लिखा है, ये इस तरह का कारनामे, इस तरह का FIR भी आप पहली बार देख रहे होंगे। महाराजगंज के निचलौल में कस्टम विभाग ने 800 बोरी चाइनीज लहसुन जब्त करके उसे नष्ट किया। लहसुन को पहले बुलडोजर से कुचला गया और फिर गड्ढा खोदकर उसी में दबा दिया गया। कस्टम विभाग की इस कार्रवाई से खासकर जो चाइनीज लहसुन की तस्करी करने वाले तस्कर हैं उनमें हड़कंप है। इससे पहले भी कस्टम्स ने चाइनीज लहसुन को बड़े पैमाने पर जब्त कर नष्ट किया था। पिछले 1-1.5 महीने में काफ़ी जो है निवारक कार्रवाई की गई है, जिसमें लहसुन की काफ़ी तस्करी को रोकथाम के लिए सीजर किया गया था। उसी सीज्ड आइटम का जो है कॉन्फिस्केशन करके डिस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है म्यूनिसिपल ग्राउंड पे। उसको अभी कुचलवा करके फिर गड्ढे में दबवाया जाएगा। कानपुर में 61 करोड़ की लागत से सेतु निगम ने पुल का निर्माण किया, लेकिन 3 महीने में पुल सारे जॉइंट्स खुल गए। इसकी सूचना जब भाजपा विधायक को मिली तो मौके पर पहुंचकर उन्होंने पुल का जायजा लिया और पूरे मामले की शिकायत शासन से की। 3 महीने पहले उनकी धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए इसका निर्माण किया गया था, इसको बंद करके फिर से मरम्मत का काम अब शुरू करना पड़ा है।
नंबर 25 से 30 साल बाद आता है, मात्र 2.5 से 3 महीने में इसको ज्वाइंट लुक बदल रहे हैं। आप मसाला भी जब देखा हमने तो मसाला बिल्कुल भरभरा रहा, उसमें कहीं सीमेंट की मात्रा नहीं। मैंने उसका सैंपल भरवाया है, DM कानपुर नगर के माध्यम से मैं उसको IIT से जाँच कराऊंगा और इसकी न्यायिक जाँच की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से करूँगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के इस रिज्यूम में भी, पिछले रिज्यूम में भी बहुत ईमानदार से चलने वाली सरकार को ये कुछ लोग अपनी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का असफल प्रयास कर रहे हैं और ये सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। 61 करोड़ की लागत से सेतु निगम द्वारा 3 महीने पहले ये पुल तैयार किया गया था। पुल के उद्घाटन को अभी 100 दिन का समय नहीं हुआ था कि पुल जर्जर अवस्था में होने का आप देख सकते हैं कि न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पर है। ये वही जगह है जहां पुल की सरियां इस बात का जवाब दे रही हैं खुद ही कि मिलावट कितनी हुई है। हालांकि विधायक ने यहां पहुंचकर हंगामा किया और फटकार लगाई, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ चंद घंटों के बाद टीम यहां पहुंची और एक बार फिर से 3 महीने पुल बने पुराने पुल पर एक बार फिर से ढलाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो इस्तेमाल किया गया था सामान वो कहीं ना कहीं जर्जर हालत में था। और उसके बाद अब फिर से एक बार वेल्डिंग करके इसको शुरुआत की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पूरी वेल्डिंग कराई गई है और इसके काम को एक बार फिर से शुरू किया गया, क्योंकि करोड़ों की लागत से बने इस पुल में कहीं ना कहीं हेर फेर किया गया था। और ऐसे में अगर सरिया की बात की जाए तो मैं कैमरामैन से कहूँगा, देखिए जिस जगह 1/2 इंच की सरिया लगनी थी या लगनी थी उसमें 2 सूत की सरिया लगा के खाना पूर्ति की गई। आप देख सकते हैं कि पुल के अंदर ये सरिया, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए कितनी पतली सरिया की एक छड़ी के भरोसे पूरे इस पुल के जर्जर हालत। और ऐसे में अब अधिकारियों की फटकार के बाद एक बार फिर से काम शुरू हुआ है। और खबर देवरिया जिले से है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। पत्थरदेवा ब्लॉक में पूर्व माध्यमिक विद्यालय अम्बा दुबे पिछले 6 महीने से बंद है और उस स्कूल में क्लास 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन यहां के हेडमास्टर के रिटायर होने के बाद अब तक वहां कोई टीचर नहीं है और उसके बाद छात्रों का भविष्य भी खतरे में पड़ गया है। और हैरान करने वाली बात यह कि शिक्षा विभाग के अधिकारी मामले को लेकर बेखबर है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है। मिनी आंगनबाड़ी है, यही अमवा दुबे स्कूल पर हम लोग केंद्र चलाते हैं। यहाँ पर एक मैडम थी, वो रिटायर हो गई मार्च में, तब से एक मैडम चार्ज पर आती थी नोनिया पट्टी का, वो भी चलाई अगस्त तक स्कूल, उसके बाद से वो भी अपने स्कूल पर चली गई है। यहाँ कोई मास्टर टीचर है, कोई है नहीं, इसीलिए वो स्कूल बंद हो गया है। परसदी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार नए नए प्रयोग कर रही है और बच्चों को शिक्षित करने के लिए कई प्रकार की स्कीम चला रही हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं पत्थरदेवा ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय अमवा दुबे में, जो आज ये कई महीनों से शिक्षक विहीन है और यहां कोई छात्र नहीं पढ़ता है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि कक्षा 1 से 8 तक की यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की है, लेकिन अब यहाँ के कमरों में ताले लटक रहे हैं। हालांकि देवरिया जिले के BSC शालिनी श्रीवास्तव का साफ तौर से यह कहना है कि इस स्कूल के संचालन के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो वैकल्पिक व्यवस्था भी यहाँ पे नदारद है। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में टीचर्स के गैर हाजिर रहने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि टीचर्स के स्कूलों से गायब रहने की वजह से प्राइमरी शिक्षा की जड़ खोखली हो रही है और इसीलिए ऐसे टीचर्स के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बुलंदशहर के असिस्टेंट टीचर पूनम रानी की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है। आपको बता दें, पूनम रानी ने अपने ट्रांसफर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस अजय भनोट की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी कर्मचारी को अपनी पसंद की जगह पर तैनाती पाने का कोई अधिकार नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रांसफर सेवा का हिस्सा है और अदालत को विशेष स्थिति में ही सीमित दायरे में दखल देने का अधिकार है।